दोस्तों भारत में लोग अच्छा घर बनाने के लिए बहुत पैसा खर्च करते हैं, लेकिन जब उस घर की सेफ्टी की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है, तो उस पर इतना ध्यान नहीं देते। जनरली लोग अपने घर की सुरक्षा के लिए होम इंश्योरेंस लेने में पैसा खर्च नहीं करना चाहते। क्या आपने अपने घर का होम इंश्योरेंस लिया हुआ है? नहीं लिया? दोस्तों हमारा घर सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे मूल्यवान एसेट्स में से एक है। इंश्योरेंस से हम अपनी लाइफ और अपने हेल्थ को तो सुरक्षित करते ही हैं, वैसे ही हम अपने घर को भी सेफ कर सकते हैं होम इंश्योरेंस लेकर। होम इंश्योरेंस घर के मालिक की जिंदगी का महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ये एक सुरक्षा कवर की तरह काम करता है, जो ना केवल आपके घर को सुरक्षित करता है, बल्कि आपकी निजी चीज़ों को भी किसी संभावित नुकसान से बचाता है, जो किसी भी इंसान द्वारा या किसी प्राकृतिक कारण से हो सकता है। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि आपको क्यों होम इंश्योरेंस लेना चाहिए, क्या क्या होम इंश्योरेंस में कवर होता है और कैसे आप अपने घर के लिए बेस्ट होम इंश्योरेंस सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं विदिशा चौधरी व्यापार मंच में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही साथ प्रेस कर दीजिए इस बेल आइकन को भी, जिससे हमारी लेटेस्ट वीडियोस की सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों अपने एसेट्स के लिए एक सही कवर लेना बहुत इम्पोर्टेंट है और हमारा घर सबसे मूल्यवान एसेट्स में से एक है। होम इंश्योरेंस घर के लिए एक सुरक्षा कवर की तरह होता है। होम इंश्योरेंस होने से किसी बुरी दुर्घटना के होने पर ये आपके फाइनेंशियल स्ट्रेस को कम करता है। एक मजबूत होम इंश्योरेंस प्लान की मदद से आप खुद को ज़्यादातर प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, तूफान, बाढ़, भूस्खलन आदि के लिए सुरक्षा दिला सकते हैं। इसके साथ साथ आग लगने या धमाका जैसे हादसों पर भी कवर मिलता है। आइए जानते हैं कि होम इंश्योरेंस में क्या होता है कवर। दोस्तों होम इंश्योरेंस में क्या कवर है, क्या कवर नहीं है, इसके बारे में जानने के लिए पॉलिसी खरीदने से पहले उसकी टर्म्स और कंडीशंस को समझना जरूरी है। उदाहरण के लिए दीवार और छत से होने वाले पानी के रिसाव को फ्लड प्लान में कवर नहीं किया जाता। होम लोन लेते समय खरीदी जाने वाली होम इंश्योरेंस पॉलिसी सिर्फ बिल्डिंग के स्ट्रक्चर को कवर करती हैं, वो घर में रखे सामान को या बिजली के इक्विपमेंट्स को कवर नहीं करती हैं। सामान्य तौर पर होम इंश्योरेंस पॉलिसीज ये चीज़ें कवर करती हैं। पहला है घर का स्ट्रक्चर। होम इंश्योरेंस पॉलिसीज में पॉलिसी के तहत कवर होने वाली किसी भी घटना से नुकसान होने पर घर की मरम्मत या दोबारा बनाने के लिए पेमेंट किया जाता है। घर के ढांचे के लिए इंश्योरेंस खरीदते समय व्यक्ति को उसे बनाने के लिए पर्याप्त कवर लेने के बारे में सोचना चाहिए। दूसरा आता है निजी सामान। आग या चोरी या किसी दूसरी आपदा से बर्बाद होने पर आपके फर्नीचर, कपड़ों, घरेलू सामान को कवर किया जाता है। महंगे सामान जैसे ज्वेलरी, आर्ट आदि पर भी कुछ सीमा तक कवर मिलता है। भारत में होम पॉलिसी पैकेज पॉलिसी होती है, जिसमें कई संख्या में सेक्शंस होते हैं जो कई कवर देते हैं। एक कॉम्प्रिहेंसिव होम पॉलिसी में आग, दंगे, चोरी, घरेलू सामान को नुकसान और घरेलू दुर्घटना पर भी कवर मिलता है। होम इंश्योरेंस पैकेज के तहत आप निजी दुर्घटना के लिए क्लेम कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप दुर्घटना की वजह से पार्शियल या परमानेंट इनकैपेबिलिटी के लिए भी पेमेंट ले सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि आपको प्लान सेलेक्ट करते टाइम कैसा प्लान चुनना चाहिए। दोस्तों होम इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत आपको ऐसा प्लान चुनना चाहिए जो ना सिर्फ घर को कवर करे, बल्कि घर के अंदर रखे हुए सामान जैसे फर्नीचर, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, पोर्टेबल इक्विपमेंट्स जैसे सामान को भी कवर करे। ऐसे में आगजनी या चोरी होने के बाद आपको ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस नहीं उठाना पड़ेगा। वहीं कई प्लान ऐसे भी हैं जिनमें कीमती सामान चोरी होने पर इंश्योरेंस कवर मिलता है। इसके अलावा अगर प्राकृतिक आपदा में घर गिर जाता है तो बीमा कंपनियां घर के फिर से निर्माण के लिए पैसा देती हैं। होम इंश्योरेंस सेलेक्ट करते टाइम आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि सबसे पहले आपको इंश्योरेंस कंपनी के सेटलमेंट रेशियो को अच्छे से चेक कर लेना चाहिए। इस इंश्योरेंस कंपनी की जो वैल्यू है वो कैसी है, इसकी मार्केट में रिलायबिलिटी कैसी है, प्रतिष्ठा कैसी है। अगर कंपनी का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है तो ऐसी कंपनी से होम इंश्योरेंस लेने का रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए।
होम इंश्योरेंस के तहत कंपनी क्या ऑफर कर रही है ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। आपको पॉलिसी में निजी सामान जैसे ज्वेलरी, कपड़े, अप्लायंसेस आदि के लिए कवरेज और क्लेम सेटलमेंट या डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिएंगे क्लेम सेटलमेंट के लिए, ये सभी प्रोविजंस को भी चेक कर लेना चाहिए। घर को उसको दोबारा बनाने की वैल्यू के हिसाब से आपको इंश्योरेंस लेना चाहिए। आप ये मत देखिए कि आज आपके घर की लागत में क्या कॉस्ट आई है, बल्कि ये देखिए कि अगर आपको घर दोबारा बनाना पड़ा तो कितनी कॉस्ट में आपका दोबारा घर बनकर तैयार होगा। आइए अब जानते हैं कि होम इंश्योरेंस में क्या कवर नहीं होता। दोस्तों, युद्ध में होने वाले नुकसान, जानबूझकर तोड़फोड़, प्रॉपर्टी के आसपास जमीन खिसकने, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स का नुकसान, प्राचीन संग्रहणीय वस्तुओं के नुकसान आदि का कवर होम इंश्योरेंस के तहत नहीं मिलता है। गृह युद्ध, न्यूक्लियर हथियारों या घरेलू नौकर से होने वाले नुकसान जैसे मामलों में भी बीमा कंपनियां भरपाई नहीं करती हैं। आइए आप जानते हैं कि जब आप होम इंश्योरेंस बाय करने जाते हैं तो प्रीमियम कैसे तय होता है। दोस्तों, प्रॉपर्टी की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी और बिल्डअप एरिया प्रति वर्ग फुट को आधार बनाकर बीमा कंपनी इंश्योरेंस कवर की राशि और प्रीमियम तय करती है। होम इंश्योरेंस का प्रीमियम तय करने में प्रॉपर्टी के साइज, टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन, भौगोलिक लोकेशन, प्रॉपर्टी के अंदर के सामान आदि भी अहम होते हैं। बीमा कंपनियां बाढ़ या भूकंप से अधिक प्रभावित इलाकों में पॉलिसी होल्डर से ज़्यादा प्रीमियम लेती हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको कम प्रीमियम देकर अच्छी पॉलिसी मिले तो उसके लिए आप लंबे समय के लिए पॉलिसी ले सकते हैं। इससे प्रीमियम में डिस्काउंट देकर अच्छी पॉलिसी आपको मिल जाएगी। प्रीमियम में डिस्काउंट तो मिलेगा ही, साथ ही साथ रिन्यू कराने की समस्या भी आपको नहीं आएगी। कई साल के लिए अगर आप एक साथ पेमेंट कर देते हैं, एक साथ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लेते हैं, तो प्रीमियम में आपको 50% तक की छूट मिलती है। कम प्रीमियम पेमेंट के लिए आप पॉलिसीज की ऑनलाइन जानकारी भी ले सकते हैं, ऑनलाइन कंपैरिजन करके फिर आप बाय कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कि होम इंश्योरेंस की क्लेम के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने होंगे। दोस्तों, ज़्यादातर बीमा कंपनियों के पास होम इंश्योरेंस के तहत क्लेम पेश करने के लिए एक तय प्रोसेस होती है, पर हम आपको कुछ ऐसी ज़रूरी बातें बता रहे हैं जो आसानी से आपके क्लेम को प्रोसेस होने में आपकी मदद करेंगी। आजकल ज़्यादातर बीमा कंपनियों ने क्लेम पास करने की प्रक्रिया को डिजिटल कर दिया है, इसीलिए हमेशा पॉलिसी के डॉक्यूमेंट की एक सॉफ्ट कॉपी हमेशा अपने पास रखें, जो बहुत इजी है। किसी भी नुकसान की स्थिति में आपको पहले बीमा कंपनी को ईमेल या टेलीफोन के माध्यम से इन्फॉर्म करना होगा। उन्हें अपनी पॉलिसी के संबंध में दुर्घटना या घटना की संक्षिप्त जानकारी आपको देनी चाहिए। एक बार जब आप अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एनालिसिस कर लेते हैं कि आपको क्लेम पाने के लिए क्या करना है, उसके बाद क्लेम फॉर्म भरें और बीमा कंपनियों द्वारा मांगे गए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स तैयार करें। यदि आपके बीमा कंपनी के पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है तो क्लेम नोटिफिकेशन से लेकर सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट्स को आप डिजिटल तौर पर जमा कर सकते हैं। जैसे कि किसी आकस्मिक या अप्रत्याशित नुकसान के मामले में नुकसान के बारे में जानकारी, क्षतिग्रस्त वस्तुओं के बिल, रिपेयर का एस्टिमेट, मरम्मत बिल और भुगतान रसीद आपको जमा करनी होती है। वहीं चोरी या सेंधमारी के मामले में पॉलिसी के तहत कवर किए गए खोए हुए सामानों की जानकारी, खोए हुए सामान का बिल, घटना के बारे में स्टेटमेंट, FIR की कॉपी और फाइनल पुलिस रिपोर्ट FIR आदि आपको रखने होंगे। आपको ये सब डॉक्यूमेंट्स जमा करने होंगे, तभी आपका क्लेम प्रोसेस हो पाएगा। यदि नुकसान का बिल जो है 1,00,000 रुपये से ज़्यादा है नुकसान, तो बीमा कंपनी नुकसान के वेरिफिकेशन और सत्यापन के लिए एक इंडिपेंडेंट सर्वेयर नियुक्त कर सकती है। उनकी विजिट पर सर्वेयर को आप सभी नुकसान दिखाइए और खोए हुए क्षतिग्रस्त सामान की लिस्ट भी तैयार रखें। यदि आपके पास इन सामान की रसीद है तो सर्वेयर के साथ शेयर कर दीजिए। एक बार जब आप सर्वेयर के साथ आवश्यक जानकारी दे देते हैं तो वो बीमा का फाइनल सर्वे रिपोर्ट देगा। बीमा कंपनी को बाद में किसी और जानकारी या डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है तो वो आपसे संपर्क कर सकते हैं। आमतौर पर 1,00,000 रुपये तक के छोटे छोटे दावों को निपटाने में 5 से 7 वर्किंग डेज लगते हैं। बीमित व्यक्ति द्वारा सभी डॉक्यूमेंट्स प्रस्तुत किए जाने के बाद 1,00,000 रुपये से ऊपर के बड़े क्लेम के लिए लगभग 10 वर्किंग डे लगते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप अपने सपनों के घर को होम इंश्योरेंस लेकर सुरक्षित कर सकते हैं।
तो अगर आपने अभी तक अपने घर का होम इंश्योरेंस नहीं लिया है तो जल्दी से होम इंश्योरेंस ले लीजिए। और होम इंश्योरेंस लेते समय सबसे ज्यादा जरूरी ध्यान रखने की बातें हैं वो दो हैं। पहली ये कि आप अपने होम इंश्योरेंस की वैल्यू उतनी रखिए जितनी में आपके घर को अगर कुछ हो जाता है तो आप दोबारा से अपना घर बना सके, सेट कर सके। और दूसरी ये कि होम इंश्योरेंस में अपने सामान का जो आपने कवर लिया है उस सामान में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप पॉसिबल हो सके अपने सामान के बिल जरूर संभाल कर रखिए। और इसके साथ साथ उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। एंड हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।